नमस्कार, मैं डॉक्टर सफलता हूँ। मैं सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ इन मैक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे डाइट इन कैंसर पेशेंट। आपको पता है कैंसर इज़ अ कैटाबोलिक स्टेट। कैटाबोलिक स्टेट मतलब क्योंकि एक ऐसे सेल्स होते हैं आपके शरीर में जिसमें जिसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी से कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी से लेता है। उसको भी रिप्लेनिश करना है, क्योंकि आप जितना खाना पहले खाते थे उतना ही अगर आप अभी भी खाएंगे तो कमज़ोरी आएगी, क्योंकि वो उसमें से बहुत सारी एनर्जी तो वो ट्यूमर ही ले जा रहा है। तो आपके डाइट में कैलोरीज वाले भी डाइट होनी चाहिए, साथ में प्रोटीन होना चाहिए। सुनने में आता है कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको बिल्कुल शुगर फ्री डाइट रखनी चाहिए, क्योंकि ट्यूमर सेल्स हैं वो इस शुगर पे ही ग्रो करते हैं। देखिए, शुगर जो एक आप सीधा मिठाई खा रहे हैं या कुछ ऐसे शुगरी स्नैक्स खा रहे हैं, वो तो सबके लिए नुकसान है। आपके लिए नुकसान है, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए भी नुकसान है। पर ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मना है, आप ले सकते हैं थोड़ा बहुत, बट आपका जो डाइट होना चाहिए वो ऐसा जिसमें हेल्दी डाइट हो। दाल रोटी चावल सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको कैलोरीज भी प्रोवाइड कराती हैं। प्लस आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर है, आपके शरीर को रिपेयर की बहुत ज़रूरत है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें भी आपका आपके बॉडी को रिपेयर की ज़रूरत होती है। सो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है। प्रोटीन अगर आप वेजिटेरियन हैं, पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन दाल इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके, जो मार्केट में कुछ वे प्रोटीन और इस तरह के जो जिम में यूज़ होने वाले प्रोटीन है उस तरह की चीज़ नहीं लेंगे आप। साथ में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप ले सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं, ये भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। आपको ये भी सुनने में मिला होगा कि फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो रॉ होते हैं। आप फ्रूट्स बिल्कुल ले सकते हैं। हम प्रेफर करते हैं ऐसे फ्रूट्स जिसमें मोटे छिलके हों, केला हो गया है, संतरा हो गया है, पर अगर आपको एप्पल खाना है, अंगूर खाना है, इस तरह की चीज़ें खानी है, आप प्रॉपरली उसको धो के खाएंगे ताकि जो भी बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन उसके ऊपर होगा वो चीज़ साफ़ हो जानी चाहिए। यस, रॉ मीट या रॉ मिल्क आप सीधा बिना उबाले ले रहे हैं, उस तरह की चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अब जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से खाना नहीं ले पाते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई एक दिन है जिसमें आपको सुबह थोड़ी भूख लगती है बट उसके बाद भूख नहीं लगती है। कोई बात नहीं, आपको जब ज़्यादा भूख लगती है आप ज़्यादा ले लीजिए, जब आपको कम भूख लगती है आप कम खाना ले सकते हैं। दो तीन दिन ऐसे भी आते हैं जब आपको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, मुँह में छाले हो गए हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप उस समय ये कोशिश करेंगे कि आपकी न्यूट्रिशन आप जितना ले पाएँ वो आपकी स्ट्रेंथ है, और वही चीज़ आपको उस स्टेज से बाहर निकालेगा। वो न्यूट्रिशन क्या कर सकता है, आप पानी ज़्यादा ले सकते हैं, नारियल पानी ले लिया, आप जूसेस ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है तो, और धीरे धीरे जब आप ये हाइड्रेशन भी मेंटेन करके रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा उस स्टेज से बाहर आने में। और जब आप थोड़ा सा बाहर, आपको बेटर फील करने लगेंगे, आपको थोड़ी शरीर में ताकत लगेगी, आपके छाले भी थोड़े बेटर लगने लगेंगे, आप सॉफ्ट डाइट से स्टार्ट कर सकते हैं। सो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन एज सच कि कैंसर हो गया है तो आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी दिन आपका मन करे तो आप समोसे छोले भटूरे भी खा सकते हैं अगर आपको एसिडिटी ना हो या आपको लगता है कि आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। आपका न्यूट्रिशन मेंटेन करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैंसर से लड़ने के लिए और कैंसर का ट्रीटमेंट टॉलरेट करने के लिए। थैंक यू।